बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम केमिस्ट्री ग्रेड एट लेक्चर नंबर एटीन पेज नंबर ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल फ़ार्मूला यूनिट नंबर वन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द केमिकल फ़ार्मूला केमिकल फ़ार्मूला इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड नाउ what are the types of chemical formula we will discuss this topic in this lecture there are, there are two types of chemical formula the first one that is empirical formula empirical formula empirical formula is the simplest formula of a chemical compound it is the simplest formula which shows द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कम्पाउंड डिफरेंट केमिकल कंपाउंड जिन जिन एटम से बना होता है ये इसका सिम्पलेस्ट रेशो जो है वो शो करता है द दम्पेरिकल फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स प्रजेंट इन ए कम्पाउंड द सिंपलेस्ट फार्मूला द सिम्पलेस्ट रैशो विश शो दस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रजेंट इन ए कंपाउंड ए कीमिकल कम्पाउंड में जितनी भी एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के प्रजेंट होते हैं ये इसके सिंपलेस्ट रेशो को शो करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें बनजीन केमिकल फार्मूला एच सी सिक्स एच सिक्स इसको अंडरलाइन करें शाबाश इसको हाईलाइट करें एक डिफिनीशन को हाई लाइट करें यहाँ पे बेंजीन है बेंजीन केमिकल फार्मूला इज सी सिक्स एच सिक्स कौन सा है सी सिक्स एच सिक्स और इसका सिंपलेस्ट रेशो अगर आप देख ले तो सिक्स वन जॉ सिक्स एंड सिक्स वन जॉ सिक्स दिम्पलेस्ट रेशो आप बिजीन एज सी वन एच वन सी वन एच वन दैट इज सी एच दैट इज सी एच तो एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन इज सी एच इसी तरह अगर दूसरा केमिकल कंपाउंड देख ले दैट इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यू नो वट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स वट केमिकल कंपाउंड नेम ऑफ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इज ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज है ग्लूकोज रेशो सी सिक्स रेशो ट्वेल्व रेशो सिक्स अब इसको सिंपल करें सिक्स वन जिक्स

That is the simplest ra ra simplest ratio uh, atoms of element present in glucose. Which type of elements are present in glucose? That is carbon, hydrogen, and oxygen. The ratio is six, car 6 carbon, 12 hydrogen, and 6 oxygen. The simplest ratio that is 1 carbon, 2 hydrogen, and 1 oxygen. And the formula which show the sim the smallest whole number ratio of the atoms of the different element present in a compound that is called empirical formula the empirical formula of benzene is c1h1 and that is of glucose is c1h2o1 is it clear that is the first type of chemical formula empirical formula now molecular formula मालिकुलर फार्मूला इज़ द सेकंड टाइप ऑफ ए केमिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड मालिकुलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इसको हाईलाइट करी शाह कर लिया हाईलाइट ओके नौ मालिकुलर फार्मूला इज़ द फार्मूला ऑफ मालिकुलर कंपाउंड मालिकुलर कंपाउंड आर दो टाइप ऑफ कंपाउंड विच कोवेलेंट बांड जिन केमिकल कंपाउंड में कोवेलन बांड होता है उस उन कंपाउंड्स को हम मालिकुलर कंपाउंड्स कहते हैं एंड दैट फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड मालिकुलर फार्मूला कोविलन बान इस फॉर्म बाई द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऐटम्स दैट इज कोविलन बान शाबास अपनी बुक पे लिख ले शाबस कोविलन बॉन्ड क्या है कोविलन बान इज द बड बिटवीन टू एटम्स विच इज पम बाई द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन शेयरिंग एटम्स That type of bond which is formed by the mutual sharing of electrons between atoms that is called covalent bond. Now covalent bond in molecules make Hota hai, that is called covalent compounds. The covalent compounds are called molecular compound and molecular compounds are, are represented by molecular formula. Is it clear? That is molecular formula. molecular formula of glucose is c6h12o6 which show the actual ratio of atoms present in glucose that is 6 ratio 12 ratio 6 molecular formula of benzene that is c6h6 that is uh, 6 ratio 6 that is the actual ratio of ca carbon and hydrogen in benzene molecular formula can be derived from empirical formula by the following relationship द मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला इसको अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें शाबाश एन वट इज़ एन एन इज़ इक्वल टू एन इज इक्वल टू द मालिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास मालिकुलर फार्मूला मास को लिखे और इसको डिवाइड करें एम्पेरिकल फार्मूला मास पे इससे जो फिगर आ गया दैट इज इक्वल टू एन और इसी एन को आप एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा मालिकुलर फार्मूला हाउ कैन वी फाइंड इट द मालिक द मालिकुलर फार्मूला फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला हम किस तरह इसको फाइंड करेंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आपके पास बेंजीन है बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला दैट इज़ इक्वल टू सी सिक्स एच सिक्स अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला इसको सिंप्लीफाई करें तो दैट इज इक्वल टू सी वन एच वन अब इन यू नो एम्पेरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू इन मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला क्लियर व्हाट इज़ एन एन इज़ इक्वल टू फार्मूला मालिकुलर फार्मूला मास दैट इज़ मालिकुलर मास दैट इज़ आर सो कार्ड मालिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास अब बंजीन का अगर आप देख ले इसका आता है बेंजीन का मालिकुलर मास जो है दैट इज सेवेंटी एट क्या है सेवेंटी एट और इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास दैट इज़ थर्टीन सेवेंटी एट डिवाइड बाई थर्टीन दैट इज़ इक्वल टू सिक्स इज इट क्लियर सिक्स आता है अब इसी फार्मूली में इसको पुट करें तो आपके पास आएगा मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला तो एन की वैल्यू क्या है सिक्स है एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या है सी वन एच वन तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी सी सिक्स एच सिक्स डेट इज़ द मालिकुलर फार्मूला आ बंजीन इस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हो अब यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर ट्वेंटी वन पे एक पॉइंट है एम मालिकुलर फार्मूला में बी द सेम और मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला इसका मतलब क्या है देखिए आप एच टू वो को देख लें एच टू ओ एच टू ओ सिम्पलेस्ट एंड मालिकुलर फार्मूला आर सेम ये इसका एच टू ओ का सिंपलेस्ट फार्मूला भी है एच टू ओ टू रेशो वन और ये इसका मालिकुलर फार्मूला भी है दैट इज़ टू रेशो वन देयर फोर द मालिकुलर फार्मूला मे बी द सेम सेम एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला ये सेम हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एच टू ओ हैंग सेम केमिकल एज विल एज हैविंग सेम मालिकुलर एज विल एज एम्पेरिकल फार्मूला

इट मीन्स आप इसको सिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा सी सिक्स एच सिक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीपल मतलब मतलब कि इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या है सी सिक्स एच सिक्स और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है सी वन एच वन तो ये आइडेंटिकल भी हो सकता है जिस तरह ये है ये आइडेंटिकल है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल है और आर इट इज़ द मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीपल मींस कि इसका सी वन एच वन इसका एम्पेरिकल फार्मूला है लेकिन इसका ओरिजिनल सी सिक्स एच सिक्स इट मीन्स सिक्स टाइम्स हाइड्रोजन एंड कार्बन कम्बाइंड टू वार्म अ फार्मूला ऑफ बेंजीन इट इज़ द बेंजीन ओरिजिनल फार्मूला इज़ द मल्टीपल ऑफ सी वन एच वन सी वन एच वन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि हम मालिकुलर फार्मूला को किस तरह एम्पेरिकल फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं तो आप इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मालिकुलर फार्मूला इज़ द मल्टीपल ऑफ सी वन एच वन इज इट क्लियर अब आपकी बुक पेज नंबर ट्वेंटी टू पे देख ले टेबल वन पॉइंट सेवन टेबल वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन पे केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं, उसका सिंपलेस्ट फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला दिया गया है क्या है दैट इज़ एसेटिक एसिड एसेटिक एसिड दैट इज़ विनेगर सी एच वन ओ It is the empirical formula of acetic acid and its formula is C2H4O2 that is CH3COOH? It is the chemical formula of acetic acid? Now acetylene, simplest formula is CH and its molecular formula is C2H2. Benzene, already many bataya CHC6H6. Glucose, CH2O, C6H12O6. That is the मालिकुलर फार्मूला हाइड्रोजन परसाइड एच ओ इज़ द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड एंड एच टू ओ टू इज़ द मालिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड नो आयरन ऑक्साइड इफ़ ई टू ओ थ्री इफ़ ई टू ओ थ्री इट मीन्स द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इस एंड द मालिकुलर फार्मूला आर सेम दोनों देखिए सेम हैं दे आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल मीन्स ये सेम है एमोनिया इन एच थ्री इन एच थ्री ये भी आइडेंटिकल है अब मीतेन को देख ले सी एच फोर सी एच फोर इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते दे फोर दे आर आइडेंटिकल इसी तरह वाटर का देख ले एच टू वो एच टू वो तो इसका भी ये एम्पेरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला आइडेंटिकल दे मे बी द सेम आर मल्टीपल आप द एम्पेरिकल फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना ये सेम भी हो सकते हैं मल्टीपल भी हो सकते हैं इज इट क्लियर अच्छा अब तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूला में आप डिफरेंस आप कर सकते हो ना अच्छा किस तरह डिफरेंशिएट करोगे इसको बाय डिफिनीशन पहले आप इसकी डिफिनीशन तो डिफिनीशन क्या है फ़र्स्ट डिफरेंस क्या है आप दोनों की डिफीनिएशन देख लें एम्पेरिकल फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल कंपाउंड एंड मालिकुलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए वन मालिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड एक तो ये डिफरेंस हो गया दूसरा डिफरेंस क्या है अगर आप इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूला एक्सप्रेसिस द एलीमेंट बाई विच इट इज़ फॉर्म्ड सिर्फ एलिमेंट्स को वो एक्सप्रेस करते हैं नंबर आप एलिमेंट्स को नहीं करते नंबर आप एटम्स को नहीं करते सिर्फ एलिमेंट्स को करते और मालिकुलर फार्मूला इट एक्सप्रेसिज ए मालिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड आर एलिमेंट ये आपको मालिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में के बताते हैं कि एक मालिक्यूल में कितने एलिमेंट्स है हर एलिमेंट्स के कितने एटम्स है ये आपको एक्चुअल रे बताते हैं द वन द डिटर्मिनेशन आप इसको किस तरह फाइन कर सकते हो डिटर्मिन कर सकते हो एम्पेरिकल फार्मूला इज डिटर्मिन बाय नोइंग द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड एक एक केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज क्या है उसी परसेंटेज से आप उसकी एम्पेरिकल फार्मूला को फाइन फाइन कर सकते हो बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिटर्मिन बाय नोइंग द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आपको परसेंटेज का भी पता होना चाहिए और आपको मालिकुलर मास का भी पता होना चाहिए जब आपको दोनों का पता हो तब आप उसको डिटर्मिन कर सकते हो नो द नेक्स्ट मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि एम्पेरिकल फार्मूला इज़ आइडेंटिकल विद मालिकुलर फार्मूला ये एक दूसरे ये आइडेंटिकल भी हो सकता है जिस तरह मैंने आपको एच टू ओ और एच टू ओ का बताया ना ये आपस में आइडेंटिकल है तो ये आइडेंटिकल भी हो सकते बट इन बट मालिकुलर फार्मूला इज़ टाइम्स आइडेंटिकल विद एम्पेरिकल फार्मूला फॉर एग्जांपल H2O में आइडेंटिकल है एंड सम मल्टीपल विद एम्पेरिकल फार्मूला टाइम्स इट इज़ मल्टीपल विद एम्पेरिकल फार्मूला जिस तरह बंजीन में मल्टीपल है और इसमें आइडेंटिकल है H2O में आइडेंटिकल है इज़ इट क्लियर सेम सेम है अच्छा एम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंट कम्पाउंडस में भी सेम डिफरेंट कम्पाउंडस का एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है अगर आप देख लें तो बेंजीन का भी सी वन एच वन है और इसी तरह अगर आपने टेबल में देखा तो टेबल में इसटाइलिन का भी सी वन एच वन है इट मीन्स इन दोनों का सेम हो सकता है ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है ये इस्टाइलिन का एम्पेरिकल फार्मूला है ये दोनों सेम हो सकते हैं बट मालिकुलर फार्मूला आप एनी कंपाउंड इज़ ऑलवेज फिक्स्ड इज़ ऑलवेज फिक्स्ड हर एक का मालिकुलर फार्मूला डिफरेंट है जिस तरह बेंजीन का सी सिक्स है और इस्टाइलिन का सी टू एच टू है दोनों का डिफरेंट है और इसकी वैल्यू इसकी रेशो फिक्स होगी इट क्लियर अच्छा एम्परिकल फार्मूला इज़ ओनली फॉर कंपाउंड बट द मालिकुलर फार्मूला इट इज़ बोथ फॉर कंपाउंड एंड एलिमेंट ये कंपाउंड और एलिमेंट दोनों का हो सकता है इट क्लियर दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन empirical formula and molecular formula.